नागिन 6 सेकंड एपिसोड फुल स्टोरी। नागिन 6 के दूसरे एपिसोड के बारे में एक नई खबर सामने आई है, जिसको जानने के बाद आप हैरान हो सकते हैं। और वो बड़ी खबर क्या है? नागिन 6 में आपको कौन कौन सी इच्छाधारी नागिनें देखने को मिलेंगी? मेन इच्छाधारी नागिन कौन होगी? शो में नागराज कौन होगा? और कौन सी पुरानी इच्छाधारी नागिन शो में आपको देखने को मिल सकती है? साथ ही शो में कौन से बड़े राज का खुलासा होने वाला है और कौन से बड़े दुश्मनों की वापसी होगी? ये सब बातें आपको आज हमारी इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। दोस्तों, शो में आपको झटका तो तब लगेगा जब पहले एपिसोड में प्रिया रिहान को तूफान में अपने बच्चे को जन्म देने के बाद एक आधी शर्त और आधी इच्छाधारी नागिन की शक्तियों को हासिल करने के लिए और नागमणि का बड़ा राज जानने के लिए पहले एपिसोड में महादेव के रहस्यमय में गुफा में बड़े दुश्मनों की वापसी होगी, जिसका सामना अपने बच्चे को बचाने के लिए प्यारे हान दोनों मिलकर करेंगे। और अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चे को बचाने के लिए प्यारे हान उन सारे दुश्मनों को खत्म कर देंगे। लेकिन एक दुश्मन प्रिया रिहान के पीठ पीछे वार कर देगा, जिस वजह से प्रिया और रिहान का दर्दनाक अंत देखने को मिलेगा। लेकिन प्रिया रिहान अपने बच्चे को बचाने में सफल हो जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि कहानी को 20 साल आगे बढ़ा दिया जाएगा, जिसमें प्रिया और रिहान का बेटा बड़ा हो जाता है और वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक आधी शत और आधी इच्छाधारी नागिन से जन्मा हुआ एक बेहद ही शक्तिशाली बच्चा होगा। साथ ही वरदान होने के वजह से उसके पास कई सारी शक्तियां होंगी, जिसकी वजह से वो एक नागराज होगा और अपने माता पिता का बदला लेने के लिए उसी महादेव के रहस्यमय गुफा में आएगा, जहां पर प्रिया रिहान की 30 साल पहले मौत हुई थी। और उस गुफा में प्रिया रिहान के बेटे को और कोई नहीं बल्कि एक खूबसूरत कन्या मिलेगी, जिससे उसे प्यार हो जाएगा और वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन होगी। सूत्रों के अनुसार इस नागिन 6 में एक कारी नागिन भी देखने को मिल सकती है, जो उस खूबसूरत कन्या की यानी कि उस इच्छाधारी नागिन की दोस्त होगी। लेकिन आगे जाकर वही इन सब की सबसे बड़ी दुश्मन निकलेगी। और खुफिया जानकारी के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि नागिन 6 में पुरानी इच्छाधारी नागिन भी देखने को मिल सकती है, जिसे देखने के बाद काफी ज्यादा मजा आ सकता है। तो दोस्तों, आप इन सबको देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दें। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और नागिन सीरीज से जुड़ी सभी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। गुड बाय।